नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव से पहले शनिवार को एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई। भाजपा ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक की कार पर तीर से हमला किया गया। वे कूच बिहार के साहेबगंज स्थित बीडीओ ऑफिस जा रहे थे, उन्हें चोट नहीं आई है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें भाजपा समर्थक तीर दिखा रहे हैं, निशित प्रमाणिक भी उनके साथ खड़े हैं। एक कार्यकर्ता अपने कपड़े उतारकर पीठ पर लगी चोट दिखा रहा है। इधर बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री के काफिले को टीएमसी के 1500 गुंडों ने घेर लिया था। मंत्री के काफिले पर इन लोगों ने बम से हमला किया। घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबर है। एसटीएफ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हथियार और गोला बारूद रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और एक पाइप गन के साथ 71 राउंड जिंदा कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की गई है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।